अगर आपको भी लगता है कि स्टारलाइट दी बॉयज की सबसे निठल्ली सुपर हीरो है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि स्टारलाइट अपनी खूबसूरती से विलन पे मोलेस्टेशन का केस करके जीत सकती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि अपनी नल्ली सुपर पावर्स के चलते ये दी सेवन टीम में कैसे एंटर हो गई तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि फेक फेमिनिज्म के नाम पे इस कैरेक्टर को बस ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए शो में रखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है दी बहुत हो गई, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो दी बॉयज का सीजन 3 एंड हो चुका है और जहां ये सीजन पिछले दो सीजन जितनी रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाया फैंस के बीच, फिर भी ये एक एंजॉयबल सीजन था और इसका लास्ट एपिसोड थोड़ा रस लग सकता है, पर उन्होंने स्टोरी लाइन में बहुत कुछ चेंज कर दिया है। कई कैरेक्टर्स अब जा चुके हैं, होमलैंडर अब कुछ भी कर सकता है और लोग उसे प्रेज कर रहे हैं, तो ऐसा मान के चलो कि सीजन 4 धमाकेदार होने वाला है। पर इस बार सबसे ज्यादा मीम्स बन रहे हैं स्टारलाइट पे, क्योंकि उसकी पावर्स को शो में कभी ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया और फाइनल एपिसोड में थोड़ा सा बिल्डअप किया उसकी पावर्स का तो उसका इफेक्ट भी नहीं दिखाया। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टारलाइट की पावर्स की, कि आखिर ये नल्ली सुपर हीरो करती क्या है। तो स्टारलाइट और डीप दोनों की ही पावर्स शो में ना के बराबर यूज हुई है और यही दोनों इस टाइम पे दी सेवन के सबसे वीक हीरोज भी हैं। तो डीप की पावर्स तो ये है कि वो सी क्रीचर से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन साला स्टारलाइट का क्या? क्या सिर्फ वो सूर्य बल्ब जलाने के लिए है शो में? तो नहीं, उसकी बेसिक पावर्स है कि वो ह्यूमंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, प्लस उसके पास कॉम्बैट ट्रेनिंग भी है, तो ऑन लैंड वो डीप को आराम से हरा सकती है। लेकिन जो उसकी मेन पावर है वो ये कि वो आसपास की इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करके उससे लाइट एनर्जी में चेंज कर सकती है, जो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जिंदगी भर के लिए अंधा बना सकती है, प्यार में भी और वैसे भी, और ज्यादा फोर्स यूज करने पे उसे मार भी सकती है। मुझे अपनी बाहों में दबा के मार दो स्टारलाइट जी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब क्योंकि सोल्जर बॉय की ड्यूरेबिलिटी किसी भी और सुपर हीरो से बहुत ज्यादा है, तो उस पे उस एनर्जी ब्लास्ट का असर नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुमने लास्ट एपिसोड देखा है तो मेव सोल्जर बॉय को लेके बिल्डिंग से कूदती है और दोनों इतने बड़े ब्लास्ट के पार्ट बनते हैं, जहां मेव की हालत खराब हो जाती है जबकि वो भी होमलैंडर जितनी ड्यूरेबल थी। लेकिन सोल्जर बॉय अभी भी ठीक ठाक होता है, बस थोड़ा सा अनकॉन्सियस। तो मेरे दोस्त, आप ऐसा मान के चलो कि स्टारलाइट की पावर्स वीक नहीं है, बस सोल्जर बॉय हद से ज्यादा ड्यूरेबल है। इट समथिंग साउंड्स लाइक स्टारलाइट के कपड़े छोटे नहीं है, तेरी सोच छोटी है। टच मी अगेन, आई विल बर्न योर आईज आउट। अब देखो, यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है वो ये कि स्टारलाइट अभी भी अपनी पूरी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखी है। इस ससुरी को तो अपनी पावर्स की लिमिट्स तक नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली इस वर्ल्ड में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप ऐसा मान के चलो कि वो पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस कर सकती है और उसके बाद ऐसा एनर्जी ब्लास्ट होगा कि तांडव होगा मेरे दोस्त, तांडव। और वॉट वाले बहुत खतरनाक है, उनको स्टारलाइट की पोटेंशियल का पता है, इसीलिए उन्होंने दी सेवन में उसको ज्वाइन कराया। तो अब बात करते हैं कि स्टारलाइट का फुल पोटेंशियल कितना है। तो हमें अगर स्टारलाइट की पावर्स ठीक से नहीं दिखाई तो हमें ये भी नहीं बताया गया कि वो अपने अंदर कितनी पावर स्टोर कर सकती है। सोचो अगर वो एक पूरे पावर प्लैनेट की पावर अपने अंदर स्टोर कर सके तो ये एक चलती फिरती एटॉमिक बॉम्ब होगी, जो कि ये ऑलरेडी भी है। पर दी बॉयज शो के पास एक बहुत बड़ी चीज है जो स्टारलाइट की पावर्स को ढंग से शोकेस करने से और विक्टोरिया के होमलैंडर के हेड को ब्लास्ट करने से रोकती है, या फिर होमलैंडर के बस बुचर को ढूंढ के उसे मार देने से रोकती है, और वो चीज है प्लॉट आर्मर। ये कॉमिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चाहते हैं कि इस शो के सीजन्स पे सीजन्स आएं, तो वो किसी भी मेन कैरेक्टर को मारना नहीं चाहते, बहुत ही सेफ गेम खेल रहे हैं। और मुझे डर है कि शायद इसी वजह से हमें शायद ही कभी स्टारलाइट का फुल पोटेंशियल देखने को मिले, और शायद जब शो खत्म हो जाएगा तब देखने को मिले जब वो इतनी पावर स्टोर कर ले कि सामने वाले को और खुद को दोनों को मार दे। तो मेरे दोस्त, स्टारलाइट वीक नहीं है, बस शो का प्लॉट आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर हम तो यही चाहेंगे कि फाइनली स्टारलाइट अपनी पावर्स को ढंग से यूज करे, क्योंकि अब तो उसके फॉलोअर्स और फेम भी नहीं काम आने वाला। तो गाइज, ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि कैसे स्टारलाइट एक नल्ली सुपर हीरो नहीं है। कितनी फिक्र करता हूँ मैं इसकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।